हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको सबसे पहले फोकस करना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन से रिस्क होते हैं। जब आप रिस्क के ऊपर काम करोगे ना कि कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव के साइड पे जाओगे और आपको अच्छा खासा एक मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है बिजनेस में। बट आप जब स्टडी करते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, इंडिया में कैसा होता है कि आप कहीं से सीख लेते हो, राइट? उसके बाद आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो कमीशन बेसिस के लिए कि कैसे काम होता है, क्या होता है ना, कितना मार्जिन है, आपको यही बताया जाता है कि कितना अच्छा मार्जिन है उसमें। बट ऑलवेज रिमेंबर, रिस्क के बिना काम होगा ही नहीं है। सो इफ़ यू आर न्यू एंटरप्रेन्योर, राइट, या ऑलरेडी किसी बिजनेस में, आपको इसके ऊपर काम करना ही करना पड़ेगा। सो कौन कौन से रिस्क होता है? एक तो होता है आपका कॉमर्शियल रिस्क, ठीक है। उसके बाद आपका पॉलिटिकल रिस्क आता है, फिर जो गवर्नमेंट के एकदम से सडनली लॉस चेंज होते हैं, एक वो रिस्क होता है। एक आपका कार्गो रिस्क होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका करेंसी एक्सचेंज का रिस्क होता है। तो ये सारे रिस्क है, तो उसका छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पूरा लिंक आपको वीडियो में, लाइक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ये शॉर्ट्स है, तो इसमें छोटा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो आपका कॉमर्शियल रिस्क होता है ना, ये होता है आपका लैक ऑफ नॉलेज, कि आपको एंटर कैसे करना है, क्या आपके सेल्स चैनल हो सकते हैं, ठीक है, आपकी पैकिंग कैसी हो सकती थी, आप इसके ऊपर वो करते हो, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कोई अडॉप्ट करेगा कि दूसरे कंट्री में। और मेन जो मैंने आपको अभी बताया था कि कौन से सेल्स चैनल पे आपको सेल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप अपना कंसाइनमेंट लेते हो, इंपोर्टर को बोलते हो ये लो, फिर बाद में कितने को जो करना कर, इट डजंट वर्क। क्योंकि आप न्यू कमर हो, या तो पैरिशेबल में एंटर कर दीजिए, या तो आपका कोई हार्ड कोर अदर प्रोडक्ट्स है, तो उसके ऊपर एक फोकस करना वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉमर्शियल रिस्क होता है। दूसरा होता है पॉलिटिकल रिस्क, एकदम से गवर्नमेंट चेंज होगी तो उसमें इफेक्ट्स होता है, बहुत इफेक्ट होता है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें देख लेना, बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वो वाली। तीसरा था आपका जो लॉ चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया से अभी, जैसे आपको पता होगा कि वीट एक्सपोर्ट करना बैन है, ठीक, लाइव स्टॉक बैन है फिलहाल। तो सिमिलरली दूसरे कंट्री में भी एकदम से सडनली ऐसे बैन हो सकते हैं। एल्स आपको क्या हो सकता है कि आपका कस्टम क्लियरेंस का एकदम ड्यूटी बढ़ गया, सॉरी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गया आपका। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक। थर्ड आता है आपका कार्गो रिस्क। कार्गो रिस्क में क्या होता है कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस के टाइम कंसाइनमेंट नीचे गिर गया, या तो लॉस हुआ, आपका कुछ कांच का आइटम हो गया, आपने तो इंस्पेक्शन करवाया होगा, सारी चीज़ें। आप यहाँ से बोल सकते हो कि मैंने तो अच्छे से आपको पैकिंग लोडिंग करके दिया था, बट अगर कस्टमर को वो चीज़ें आपको टूटी हुई मिलेगी, तो आपको कौन क्यों काम देगा, राइट? कंसाइनमेंट डूब गया, या तो आग लग गई, या तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एक वो रिस्क होता है। उसके बाद होता है आपका ये कार्गो रिस्क हो गया। देन आपका लास्ट आता है आपका क्रेडिट रिस्क होता है। सेकेंड लास्ट पॉइंट है क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि आपने कंसाइनमेंट दे दिया। एग्जांपल, जैसे मुझे मशरूम के लिए कॉल आता है कि सर वी वांट टू स्टार्ट ए मशरूम बिजनेस, तो आप एक पॉइंट समझिएगा। सो मशरूम बिजनेस में क्या होता है कि आप उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, लाइक 2 से 3 दिन तक उसका सर्वाइव होता है। अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे, कब कल्टिवेशन होता है, क्या चीज़ है। तो अगर आपका मशरूम पहुँचते पहुँचते पीले कलर का होगा, कंसाइनमेंट में नहीं जाएगा, कंटेनर में नहीं जाएगा, ये बाय एयर ही जाता है। तो अगर पहुँचते पहुँचते सपोज करो उसका येलोइश कलर आ गया, तो क्लाइंट नहीं लेगा, तो आपने क्रेडिट देके क्या फ़ायदा हुआ? आपकी इन्वेस्टमेंट लग गई, वहाँ से पेमेंट नहीं आया। या तो दुबई में आप कंसाइनमेंट भेजते हो, वहाँ पे बोलते हैं रेट डाउन हो गया, क्रेडिट का इशू हो जाता है कि कोई पे करता है, कोई भाग जाता है। तो इसमें कौन कौन से रिस्क है, उससे कैसे बचा जा सकता है, एक वो है। थर्ड आता है कि आपने डील क्रैक किया क्लाइंट के साथ, एंड सडनली एंड ऑफ द डे यू विल गेट टू नो कि जैसे डॉलर अभी 84-85 तक पहुँच गया था, आपने उस हिसाब से पेमेंट किया। बट जब आपको पेमेंट लेनी थी, रिसीव होनी थी, सपोज आपने $10,000 कर लिया और 85 का रेट चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो आपको वैसे बनता है कि आपका 8.5 लाख रुपये होता है। बट इन केस रेट डाउन हो गया और 85 के बजाय सिर्फ 80 का रेट हो गया, तो 8.5 के बजाय आपको सिर्फ 8 लाख मिलने वाला है। तो इसके ऊपर कैसे काम करना है, तो ये चीज़ें का फोकस है। आई होप आपको थोड़ा कुछ समझ आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।